लोगों के मन से जो ये वहम है ना कि आपको अगर बॉडी बनानी तो नॉनवेज खाना पड़ेगा ना, बिल्कुल झूठ है। चल जाएगा अंकल, मैं भी 40 से ऊपर मैं भी चला रहा हूँ अब तक। 5 किलो घेवर था, अभी 1 किलो बचा। देखो शेयर मार्केट में कर करके क्या हालत होगी। मैं आपको मिलाता हूँ आज ऐसे बॉडी बिल्डर से जिसकी कमर पूरे इंडिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि उनकी कमर है सिर्फ 26 इंचेस। हमारे विजय वत्स भाई, देख रहे हो, एक बार पोजिंग हो जाए विजय भाई। 26 इंच की कमर है उनकी और ये ऐसे ही श्रेडेड रहते हैं। अगर मैंने कोई श्रेडेड लड़का देखा, इससे ज़्यादा श्रेडेड मैंने अभी तक नहीं देखा। स्किन क्वालिटी, फैट परसेंटेज, सब कुछ कम, दिस इज इनक्रेडिबल। तो हम एक्चुअली आ गए हैं इनके घर पे, पीछे देखा फोन बज रहे हैं, सोनीपत में वहाँ पे रहते हैं, उनका घर का टूर भी देंगे। तो विजय कब से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग? भाई मैं 14 साल से कर रहा हूँ प्रोफेशनली, मैं 2020 से कर रहा हूँ। वैसे मैंने 2011 से स्टार्ट कर दिया। 2011 से स्टार्ट जी। अच्छा, तो वेजिटेरियन हो? हाँ जी बिल्कुल, अंडे भी नहीं खाता मैं। बट गाइस क्या ना, हम सबको ये रहता है कि यार कि क्या वेजिटेरियन की बॉडी बन सकती है, आपके सामने ये क्या तुम्हें मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, लोगों के मन से जो ये वहम है ना कि आपको अगर बॉडी बनानी तो नॉनवेज खाना पड़ेगा ना, बिल्कुल झूठ है। मैं आपके सामने खुद एग्जांपल हूं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं अंडे भी नहीं खा रहा फिलहाल, अपना घर का सामान खाता हूं और बॉडी आप सब लोग देख सकते हैं। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, ऐसे जेनेटिक्स की, तो सुपीरियर जेनेटिक्स कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। इनकी बॉडी ऐसी थी, ऐसी जेनेटिक्स से तभी यहाँ से आए हैं। सर पहली बात तो आपको नमस्ते सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लड़का आपका बहुत ही जबरदस्त बॉडी कैरी करते हैं, बहुत ही अच्छी बॉडी है, बहुत नाम कमाया है उन्होंने, फेमस हैं। आप क्या सपोर्ट रहता है आपको, आपको क्या लगता है कि क्या करें, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मेरा तो कहना ही है, अगर हम सपोर्ट करते तो ये अभी तक बहुत आगे बढ़ जाता है। हमने सपोर्ट नहीं किया इस बच्चे को, क्योंकि ये हमारे समझ से कि जो कर रहा है ये ठीक नहीं था। हम तो ये चाहते थे बच्चा सरकारी नौकरी लगे, लेकिन इसने अपना दिमाग वहाँ से घुमाकर सारा इसमें दिमाग इसमें लगा दिया। लेकिन आप अब सपोर्ट करोगे इसको? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, ये अच्छा है या बुरा है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंसेस को नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं, बट अच्छे पैसे कमा रहे हैं, घर का ध्यान रख रहे हैं। चलेगा ये कब तक चलेगा? ये जब तक जवानी है अब तक तो चल जाएगा, 2-4 साल बाद फिर वैसे का वैसा चल जाएगा। मैं भी 40 से ऊपर मैं भी चला रहा हूँ अब तक, ये चल जाता है, ये लंबा चलता है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू चल जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल चलेगा अंकल, बिल्कुल, इतना टैलेंटेड लड़का है आपका। क्योंकि मैं मुझे पता है कि ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि ये सस्टेनेबल करियर है नहीं है, मैं उनको सबको बताना चाहूंगा ये है, आपको इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जस्ट लाइक एनी अदर जॉब और करियर। भाई अब घर के अंदर चलते हैं, हम आ गए अंदर, अब हमारे विजय भाई के घर में। आइए अंदर, ये रहेगा। आपको सबसे पहले नोटिस करने को मिलेंगे इनके मेडल्स। इसमें से सबसे ज्यादा फेवरेट ट्रॉफी कौन सी है तुम्हारी विजय भाई जी? अगर मैं सच बताऊं तो सबसे फेवरेट ट्रॉफी में वो मेरी ऊपर है, ये अभी आधी है, क्योंकि ये शोकेस छोटा पड़ गया है, कुछ इस कमरे में कुछ ऊपर वाले कमरे में। मिस्टर एशिया वाली मेरी ट्रॉफी है वो ऊपर है। तो यार खाना वाना क्या खाते हो यार? खाना मेरी देखो रसोई वहीं पे है, ये मेरी मैसेज है। आई मिलाइए ना इनसे। हाँ जी, ये इनका नाम भावना है। आप क्यों शर्मा रहे हो? शर्मा ये नहीं, तो अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई है। 1.5 साल पहले? हाँ जी। अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी। वो मेरी भाभी है, तो ये दोनों बहन है। अच्छा, दोनों सगी बहन है? हाँ जी सगी बहन है। अच्छा, तो एक ही घर में आ गई दोनों बहन? एक ही घर में। क्या बात, अंकल कहने खाना खा के जाना है ठीक है। और ये मेरी भाभी है। देखो देसी खाना बन रहा है यहाँ पे। तो भाई देखो मैं यहीं पे अपना बनाता हूँ, जो कुछ भी है अपने ओट्स वगैरह हो गए, चावल वगैरह भाभी बना के दे देती है। भाभी का आशीर्वाद है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। और मेरे केले वगैरह रखे रहते हैं फ्रिज में, बस यही है। फ्रिज में क्या क्या वेजिटेरियन है तो क्या देख लेते हैं? केले वगैरह मिल जाएंगे आपको कहीं कहीं, ये यहाँ पे रहता है मेरे पोर्शन, ये केले हो गए यहाँ पे। और मैं घर का सब कुछ खाता हूँ भाई, घेवर वगैरह जो भी आया। हाँ जी बिल्कुल, घेवर भी खा लेते हो? 5 किलो घेवर था, अभी 1 किलो बचा, बाकी सारा पेट में ही गया। कहाँ गया भाई, वैसे नजर ही नहीं आ रहा है। तो घेवर दिखा दे पहले, अगर जो लोग दिल्ली या NCR में नहीं रहते, घेवर में बता दो। घेवर को कैसे डिस्क्राइब करोगे विजय? क्या घेवर भाई? देखो ये एक सीजनल डिश है, ये है घेवर और ये होता है बिल्कुल मीठा। तो आपके सोनीपत का फेमस है भाई? हमारे सोनीपत का पूरे इंडिया में फेमस है घेवर। यहाँ का अगर घेवर नहीं खाया ना आपने इस सीजन में, तो कहीं का घेवर नहीं खाया, कितना महंगा खरीद लो, लेकिन जो टेस्ट यहाँ के घेवर में आएगा वो कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ट्राई तो करके देखो। कर रहा हूँ, मैं तो खा ही लेता हूँ। तुम खाते हो नहीं खाते हो ये बता भाई? देखो अगर प्रूफ दे दूंगा मैं उससे बेटर तो क्या ही है। बहुत मीठा है, खोए का मेरे खाते है ना। मावे का? मावे का जी। सारे ओवरऑल टाइटल है मेरे यहाँ, क्योंकि जगह कम पड़ गई भाई, मैं क्या करूँ, घर छोटा रहेगा। सुबह हमारा जैसे प्रोटीन हो गया, एक तो प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन इंटेक के लिए। प्रोटीन कौन सा लेते हो? प्रोटीन मैं QNT का यूज कर रहा हूँ भाई, मेरे पास टैग भी आए हुए। देखो ये क्या
ये अपना Q&T के है। अच्छा, ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए मंगवा रखा, क्योंकि हमारा काम ऐसे ही चलता है कि किसी को सप्लीमेंट दे देते हैं, प्रेफर कर देते हैं। अच्छा, सुबह से शाम तक क्या खाते हैं? भाई मेरी डाइट ये होती है, सुबह मैं बनाना शेक लेता हूँ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए मैं अपना प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूँ, उसके 2 घंटे बाद मैं घर का अपना लंच करता हूँ, जो भी मेरी 4 रोटी होती है, 1 कटोरी दही होती है, गुड़ होता है और सब्जी होती है, उसमें सैलेड भी होता है। उसके 2 घंटे बाद फिर लगभग बच जाते हैं 3 बजे के आसपास मैं 3-4 केले खाता हूँ अपने प्री वर्कआउट के रूप में, उसमें दही भी ऐड कर लेता हूँ। आधे घंटे बाद मैं वर्कआउट करने चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपना वर्कआउट करके आता हूँ 2 से 2.5 घंटे, वहाँ से मैं निकलता हूँ अपना 3 केले खाता हूँ, 1 स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ, घर पे आने के बाद दोबारा 3-4 केले, और फिर उसके बाद तब तक रात हो जाती है, 9 बज जाते हैं, फिर घर वालों के साथ अपना डिनर होता है। डिनर में सेम वही जैसे राइस हो जाते हैं, कई बार 3 से 4 रोटी होती है, रोटी में जरूर खाता हूँ, रोटी के बिना मैं नहीं रह सकता, और मैं रात के 2 बजे तक जगता हूँ स्पेशल एक मील और लेने के लिए, और वो मेरी मील होती है बिफोर बेड मील, उसमें होता है मेरा 100 ग्राम पनीर होता है और मेरे 100 ग्राम राइस होते हैं और उसमें 10-12 ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बस ऐसी खा के ये वाली बॉडी। हाँ बिल्कुल, आप मेरे घर वालों से कंसल्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल यही खाता हूँ, मैंने इसमें कोई झूठ नहीं बोली। देख रहे हो यार, तो आप वेजिटेरियन रह के भी ये बॉडी बना सकते हो यार, और मैं चाहूँगा कि और मैं इनको ना अलग अलग वीडियोस में ऐड करता रहूँगा हमारे विजय भाई को, बिकॉज बहुत एस्थेटिक हैं, अच्छी नेचर है। तो विजय के अब भाई से भी मिलते हैं, कहाँ है भाई? वो देखो बड़े भाई, 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 भाई ये मेरे बड़े भाई, क्या नाम है आपका? नमस्ते सचिन, आप ही शेयर मार्केट वाले हैं? यस। देखो शेयर मार्केट में कर करके क्या हालत होगी ये। वो पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, एक पल भी नहीं हटते वहाँ से, खाना भी वहीं पे पहुंचाना, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, इनकी हालत भी ऊपर नीचे होती है, ऐसे ही चलता है। क्या क्या नाम है? हेलो विवान। विवान देख रहे, विवान तो मुझे देखे जा रहा है, अच्छा दिखता हूँ ना विवान, अच्छा दिख रहा हूँ ना, आइए अब मम्मी से ही मिला देते हैं। मम्मी से मिलाओ, उनकी मम्मी एक्चुअली पूजा कर रही है। हाँ जी, मम्मी बोलेंगी नहीं, बट मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। मम्मी अभी पूजा कर रही है, मम्मी बोलेंगी नहीं क्योंकि मम्मी का होता है कि आधा पौना घंटा आपको पूजा करनी, तो जो मेरी ये फिटनेस वाली लाइन है ना, जर्नी, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी मम्मी का है। मम्मी मुझे हमेशा से सपोर्ट करती है डे 1 से, तो मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज आप सब लोगों के सामने नहीं आता। तो विजय अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी बता दो यार, सत्ता की जान जाए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है VIJAY विजय _fitness_nation, विजय फिटनेस नेशन, और सेम नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी। क्या बात है, तो ये वीडियो आपको देखने को जल्दी मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ ढेर सारे लोग सब्सक्राइब करो विजय को, इनको ढेर सारा प्यार दो, बिकॉज ऐसी 26 इंच की कमर मेरे ख्याल से तो बहुत कम लोगों की होती है। और एज कितनी है तुम्हारी? मेरी एज 30 है भाई। 30 साल की उम्र में उम्र बड़ी और एज और वेस्ट कम, उल्टा होता है, राइट? देखते रहो, बहुत आगे जाने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग में।